जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शीत लहर से कपकपाया जिला, साल का पहला ठंडा दिन रहा बुधवार का दिन। न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा। नदी किनारे जंगल में लापता युवक की छत विछत हालत में लाश मिलने से मचा हड़कंप। सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की लगी भीड़। चप्पल और कपड़ों से परिजनों ने की पहचान। धान खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुक नहीं होने से किसान हो रहे परेशान। कभी मौसम खराब होना तो कभी लिमिट फुल होने से किसान चिंतित। 5 जनवरी अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने की किसानों ने मांग की। 2 गुटों में बटा आशा व उषा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन। एक संगठन 23 दिसंबर से कर रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो दूसरे संगठन ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर बताया हड़ताल से दूर। रेलवे रेक पॉइंट रहवासियों के लिए बना परेशानी का कारण। इलाके में लगातार प्रदूषण बढ़ने से सेहत पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव। रेक पॉइंट विस्थापन की आस हुई धुंधली। स्कूल शिक्षा विभाग से मिले निर्देश, ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने की घोषणा। 7 जनवरी तक नहीं लगेगी नर्सरी से 5वीं कक्षाएं। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंडके पार और चीचोली के बीच में नदी किनारे जंगल में लापता व्यक्ति का शव छत विछत हालत में बुधवार को पुलिस ने बरामद किया, जिसकी सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीचोली निवासी मनोहर दमाही के 3 पुत्र गौरीशंकर दमाही, मृतक दुर्गेश दमाही, पीयूष दमाही व एक लड़की छाया दमाही, जिसमें गौरीशंकर दमाही और लड़की छाया दमाही की शादी हो चुकी है और सभी साथ में रहते। इसी बीच किन्हीं कारणों से 19 दिसंबर को चिचोली निवासी 23 वर्षीय दुर्गेश दमाही अचानक घर से लापता हो गया था, जिसके घर वालों ने आस पड़ोस व ग्राम और रिश्तेदारी में काफी पतासाजी की, किंतु कहीं भी उसका पता न चलने पर परिजनों ने खैलांजी थाने में पहुंचकर 20 दिसंबर को दुर्गेश दमाही के कहीं चले जाने की सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर जाँच में लिया गया, जिसके बाद कोई ग्रामीण जंगल की ओर गया था। उसके द्वारा व्यक्ति का छत विछत शव देखकर उसकी जानकारी ग्रामीणों सहित पुलिस को दी गई, जिस पर खैलांजी पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि छत विछत हालात में नदी किनारे जंगल की झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है, जिसका एक हाथ गायब है, दूसरे हाथ का पंजाबी गायब है, छाती के ऊपर का हिस्सा एवं सर भी गायब है, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मौका पंचनामा तैयार किया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर FSL बालाघाट की टीम मौके पर पहुंची, जिसने सूक्ष्मता से घटनास्थल, बॉडी व आसपास की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। इसी दौरान सूचना लगने पर मनोहर दमाई का परिवार भी पहुंचा, जिन्होंने चप्पल व कपड़े के ऊपर से अपने पुत्र की पहचान की, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव को खैलांजी के पोस्टमार्टम गृह लाया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जाँच में लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। उनके द्वारा प्रथम दृष्टया के तौर पर हत्या, आत्महत्या या किसी हिंसक प्राणी के द्वारा शिकार की संभावना लगाई जा रही है। पिंड के पार में जो है नदी किनारे एक शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जो है कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा जो है उसके कपड़े और चप्पल को देखते हुए जो है दुर्गेश के नाम से पहचान की गई है। ये रहने वाला कहाँ का था सर? ये ग्राम चिचोली का रहने वाला है और ये जो है दुर्गेश 19 तारीख से जो है घर से बिना बताए चला गया था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने की थी, जिसके आधार पर जो है गुम इंसान अपने थाने में दर्ज है। सर कोई हत्या वत्या का ऐसा कुछ लग रहा है आपको? प्रथम जो है शव जो है डिकम्पोस्ट अवस्था में है, तो अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में आगे कर रहा था।
सर परिवार वालों ने कुछ सच्चाई की सर? परिवार वालों द्वारा कभी किसी प्रकार कोई शंका नहीं। सर ये रहने वाला कहाँ था और इसका शव कहाँ मिला है? ये रहने वाला जो है ग्राम चिचोली का है और शव जो है ग्राम चिचोली के नदी के किनारे पिंडे के पार और चिचोली के बीच में मिला है, गाँव के पास में मिला है। सर जैसे उसका अभी सिर नहीं मिल पाया है तो इसमें क्या लग रहा है सर? अभी सिर का जबड़ा मिला है उसका, तो जबड़ा जिस अवस्था में मिला है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि किसी जंगली जानवर द्वारा जो है उसको खाया गया। जिले में ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप और बुधवार को बने शीतलहर के हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अगले 3 दिनों के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी शासकीय अशासकीय ICSE और CBSE स्कूलों में सामान्य अवकाश रहेगा। इसके अलावा सोमवार 9 जनवरी से लगने वाले स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। सोमवार से सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे से लगेंगे। उक्त घोषणा स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को सुबह से शाम तक तेज ठंड, शीतलहर और हल्की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए गुरुवार से शनिवार तक सामान्य अवकाश का फैसला लिया गया। यह आदेश नर्सरी से कक्षा 5वीं तक की कक्षाओं के लिए लागू होगा। इसके अलावा स्कूल लगने के समय में भी बदलाव किया गया है। 9 जनवरी सोमवार से अगले आदेश तक सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे से लगेंगे, लेकिन राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं पूर्व तय समय पर ही आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की उनके समय पर उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जो शैक्षणिक और कार्यालयीन कार्य करेंगे। उक्त आदेश जिले भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगनी कार्यकर्ता संगठन में अब 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, जहां मानदेय का पूर्ण भुगतान किए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले में एक संगठन जहां आशा कार्यकर्ताओं को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। तो वहीं संगठनों के बीच आपसी खिंचातान का परिणाम है कि एक अन्य संगठन ने स्वयं को हड़ताल से दूर बताया। जहां आशा उषा सहयोगनी कार्यकर्ता संघ के बैनर तले आधा सैकड़ा से अधिक आशा उषा सहयोगनी कार्यकर्ताओं ने 4 दिसंबर बुधवार को CMHO कार्यालय पहुंचकर रुका हुआ मानदेय देने से जिस गांव का प्रकरण जिला चिकित्सालय आता है उसी गांव की आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उसे सेवा देने के निर्देश दिए जाने की मांग की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से उन्होंने स्वयं को अलग बताते हुए कहा कि हम हड़ताल में शामिल नहीं है, हमारा मानदेय हमें नियमित रूप से मिल रहा है, लेकिन दूसरे संगठन की हड़ताल के चलते दिसंबर माह का हमारा मानदेय रोक दिया गया है जिसे दिया जाना चाहिए। और हमने यहाँ आज हम ज्ञापन इस उद्देश्य दे रहे हैं कि जो लालबरा ब्लॉक से जो सुशीला भट्टी जी जिन्होंने हड़ताल पे अभी वो बैठे हुए हैं, कम से कम 6-7 दिन हो गए हड़ताल पे है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। तो उनकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल से हम सब आशा तो हम 9 लाख की आशा इस हड़ताल में शामिल नहीं है, और जिससे हम उस हड़ताल का मतलब बहिष्कार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस वजह से जिन आशाओं का हमारे आशाओं का जो मानदेय रुक रहा है वो मानदेय नहीं रुकना चाहिए। लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जनवरी को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी बारिश भी, साथ ही सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है, परंतु अचानक मौसम परिवर्तन होने के साथ ही बूंदाबांदी बारिश होने के से धान विक्रय करने पहुंचे किसानों के साथ ही समिति प्रबंधकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने के कारण खुले आसमान के नीचे रखे हजारों क्विंटल धान तेज बारिश होने पर गीली भी हो सकती है, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। बुधवार के दिन अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में जिन किसानों का स्लॉट बुक यानी उपज विक्रय करने के लिए 4 जनवरी अंतिम दिन है, उपज विक्रय करने के उन्हीं किसानों को उपज खरीदा गया। जिन किसानों का अन्य तिथि में उपज लाने का स्लॉट बुक हुआ ऐसे किसानों की उपज नहीं खरीदी गई और मौसम साफ होने के बाद खरीदी करने की बात कही गई। शासन के द्वारा इस वर्ष किसानों की उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने के लिए स्लॉट बुक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से किसान अपनी इच्छा के अनुसार स्लॉट बुक करवा कर जो तिथि उनके द्वारा उपज विक्रय करने के लिए लिया गया है उस तिथि में वे खरीदी केंद्र में पहुंचकर अपनी उपज विक्रय कर सकते हैं, परंतु 5 जनवरी के बाद से स्लॉट बुक नहीं हो रहे, यानी स्लॉट बुक साइट के पोर्टल में जब कंप्यूटर ऑपरेटर किसान का स्लॉट बुक करता है तो वह नहीं ले रहा है।
जैसे ऐसा लग रहा है कि साइड बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों का उपज विक्रय करने के लिए स्लॉट बुक नहीं होगा तो वे अपनी उपज समर्थन मूल्य में विक्रय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य में धान विक्रय करने की अंतिम तिथि को शेष 8 दिन बचे हैं और स्लॉट बुक पोर्टल में 5 जनवरी के बाद यानी 6 जनवरी से 16 जनवरी तक स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, जिससे लालबर्रा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत नव सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत बनाए गए 14 केंद्रों में हजारों किसान स्लॉट बुक नहीं होने से अपनी उपज विक्रय करने से वंचित रह सकते। किसान व समिति प्रबंधकों ने 6 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक स्लॉट बुक करवाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाने की मांग शासन प्रशासन से की है, ताकि 16 जनवरी तक 100% किसानों से धान की खरीदी कर सके। अब वो स्लॉट बुक का ये जब भी आओ तो वो उसमें सिस्टम में बताता है कि 1 रुपया डला नहीं है, जबकि वहाँ सोसाइटी जो केंद्रीय बैंक है लालबर्रा वहाँ से जाके आधार भी लिंक करवा दिए वहाँ जाके, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हो गया आप हो जाएगा, यहाँ आने पे सिस्टम में फिर बताता है कि 1 रुपया जमा नहीं हुआ है, तो इस कारण जो है स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका भी बहुत धान देने का बाकी है। जैसे अब खरीदी को 7 दिन बचा नहीं, आज 3 तारीख हो गई यानी मान लीजिए कि 13 दिन है शेष, तो क्या ऐसे में सभी लोग विक्रय कर पाएंगे? नहीं, उसकी डेट बढ़ाई जाए। अभी तक हमारे यहाँ 397 कृषक से 18,478 क्विंटल 80 किलो धान खरीद ली गई है। परिवहन की क्या स्थिति? परिवहन अच्छा हो रहा है साले से, जैसे बताया कि अभी बारदाने नहीं है तो। हाँ, बारदाने सर कल ही खत्म हुआ, 3-4 दिन हो गया मांग दे दिए हैं, लेकिन आज दिनांक तक वारदाने प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर खरीदी कैसे प्रभावित होगी? हाँ, खरीदी आज प्रभावित है। कितने डिमांड भेजे आपने? हमने 20,000 बारदाने की मांग में। लालजी थाने में अलग अलग दो लोगों ने शिकायत की कि कम समय में दोगुने पैसे देने का लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने बताया कि थाने में ब्रजेश मिश्रा 49 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 27 स्नेहनगर बालाघाट निवासी ने शिकायत दी कि 20 अप्रैल 2022 को बोलेगांव में सोमेंद्र कंकराय ने तामेश मंसूरे निवासी बोलेगांव ने 2,08,000 रुपये की कम समय में दोगुनी राशि देने के नाम पर धोखाधड़ी की। इसी तरह अजय सिंगारे निवासी वार्ड नंबर 33 मोतीनगर बालाघाट ने भी शिकायत दी कि सोमेंद्र कंकराय ने तामेश मंसूरे निवासी बोलेगांव, योगेश उरोड़े निवासी लाड़सा ने 14,16,000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 420, 406, 120B, 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला कायम कर जांच में लिया है। ठंड के तेवर न सिर्फ लोगों को परेशान बल्कि बीमार भी कर रहा है। इन दिनों जिला अस्पताल में मौसमी बीमारी का असर साफ देखा जा सकता है। बड़े बुजुर्गों के अलावा मौजूदा मौसम का असर बच्चों पर भी देखा जा सकता है, जो निमोनिया, विंटर डायरिया, इन्फेक्शन, वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोज औसतन 5 बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित होकर भर्ती हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर 6 से 8 महीनों के बीच बच्चों का है। इनके अलावा 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों के द्वारा तनाव में आकर जहर खाने के बढ़ते मामले में भी चिंता का कारण बन रहे हैं। यूं तो जिला अस्पताल में शिशु वार्ड में अक्सर मरीजों की भीड़ रहती है, लेकिन खासकर ठंड के इस मौसम में बच्चों की संख्या बढ़ गई। शिशु रोग विशेषज्ञ SNCU प्रभारी डॉक्टर नीलय जैन के मुताबिक पिछले 1-2 महीने से सबसे ज़्यादा बच्चों में निमोनिया के मामले सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिससे बच्चों की श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे खांसी आती है और कई बार बच्चा खांसते वक्त बेदम भी हो जाता है। ये बीमारी नवजात बच्चों से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को हो रही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर 6 से 8 महीने के बच्चों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विंटर डायरिया यानी उल्टी दस्त के मामले भी बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने मौसम में आए बदलाव को देखते हुए बच्चों की उचित देखभाल करने की सलाह दी। सर, अभी वर्तमान में मौसम में बहुत बदलाव आ रहा है, ठंड भी बढ़ी है, इसको देखते हुए अभी बच्चों में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और अभी वर्तमान में कितना फिगर है बच्चों के एडमिट होने का? देखिए, अभी जो मौसम बदल रहा है और अभी आज तो जैसे आप महसूस कर रहे हैं सभी लोग कि आज अत्यधिक ठंड है, सबसे ज़्यादा ठंड आज के मौसम में आ रही है, तो इस बदलते मौसम में जो बच्चों पे जो असर देखने को मिल रहा है वो सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है वो है ब्रोंकाइटिस, या जिसको हम निमोनिया भी बोल सकते हैं, ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हैं, जो इस सीज़न में ज़्यादा होता है। श्वास नली सिकुड़ती है तो बच्चों को श्वास में दिक्कत होती है, गला खरखर बजता है, खांसी आती है और बच्चा कोई बच्चा खांसते खांसते बेदम भी हो जाता है, इसको ब्रोंकाइटिस या इसके अलावा जिले के किशोरों के द्वारा तनाव में आकर जहर खाने के बढ़ते मामलों ने चिकित्सकों की चिंता बढ़ा दी है।
चिकित्सकों का कहना है कि नए साल के सिर्फ 4 दिनों में ही जिला अस्पताल में रोज एक किशोर पारिवारिक समस्या के कारण पॉइजन खाकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं दिसंबर 2022 में पॉइजनिंग के करीब 10 मामले सामने आए थे। डॉक्टरों का कहना है कि आंकड़ा समय के साथ बढ़ रहा है, जो चिंता का कारण है। पॉइजन का सेवन करने वाले सबसे ज्यादा 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं। सर, अभी यंगस्टर्स में, खासतौर के टीनेजर्स में अभी पॉइजनिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्या क्या कितने केसेस हैं सर, रोजाना कितने आ रहे हैं और क्या वजह मानते हैं? देखिए, चूंकि मैं भी एक काफ़ी लंबे समय से बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चों को देख रहा हूँ, तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो हमारे कंट्री के लिए अलार्मिंग भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से ये जो जहर खा के आने वाले बच्चे हैं, मतलब इसमें 10 साल का भी बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, तो ऐसे केसेस में ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इनका नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अपर सचिव अशोक कुमार ने मंगलवार देर शाम वन संरक्षण और वन मंडल अधिकारी के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की, जहां अपर सचिव के द्वारा जारी की गई इस स्थानांतरण लिस्ट में एक वन संरक्षक सहित 6 वन मंडल अधिकारी को इधर से उधर किया गया है। मंगलवार देर शाम जारी की गई स्थानांतरण सूची के अनुसार दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट वन मंडल अधिकारी ब्रजेश कुमार वरकड़े को वन मंडल अधिकारी बुरहानपुर स्थानांतरित किया गया, तो वहीं वन मंडल शिवपुरी सामान्य वन मंडल अधिकारी श्रीमती मीना कुमारी मिश्रा को दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट में वन मंडल अधिकारी के तौर पर पदस्थ किया गया है। जहां 7 अधिकारियों के स्थानांतरण लिस्ट जारी कर स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को यथाशीघ्र अपना नया पदभार ग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। जहां जारी इन आदेशों के मुताबिक अब दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट की नई DFO श्रीमती मीना कुमारी मिश्रा होगी। नगर के बारासुनी बालाघाट मार्ग स्थित अभियंता कार्यालय में 4 जनवरी को यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आवश्यक बैठक का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM KC बोपचे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 6 जनवरी से संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की सूचना देते हुए मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि पिछले कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आंदोलन व आवेदन निवेदन किया जा रहा है, परंतु इस वर्ष शासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण 6 जनवरी 2023 से जेल भरो आंदोलन के साथ संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया गया है। आज जो ये बैठक हो रही है, ये 6 तारीख से हमारे संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगें ये हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन किया जाए, और इसके उपरांत 9 तारीख से यूनाइटेड फोरम के बैनर तले पूरा संभाग, पूरा बिजली कर्मचारी समस्त रेगुलर भी उनके सहयोग में मैदान पे हड़ताल पे उतरेंगे। समय के साथ रेल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन बालाघाट रेलवे स्टेशन में स्थित रेक पॉइंट आसपास रहने वाले हजारों लोगों के लिए ये परेशानी का कारण बन रहा है। रेक पॉइंट में आने वाले सीमेंट की बोरियां प्रदूषण बढ़ा रही है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ सेहत पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले सांसद और रेलवे के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान बालाघाट स्थित रेक पॉइंट के विस्थापन करने की बात कही थी, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी अब तक इस संबंध में कोई सकारात्मक तस्वीर देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि रेक पॉइंट को गर्रा या भरवेली में विस्थापित करने की बात सामने आई थी, लेकिन रेलवे ने इन स्थानों में रेक पॉइंट के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में देने की बात कही थी। 1.5 साल में अब तक किसी निजी संस्था ने रेक पॉइंट के निर्माण या संचालन के संबंध में अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, जिसके चलते रेक पॉइंट विस्थापन की आस अधर में लटकी हुई है। इसका खामियाजा वार्ड क्रमांक 4 और 5 के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आए दिन लंबी दूरी तय कर सीमेंट से लदी मालगाड़ी आती है, ट्रकों में अनलोडिंग के दौरान भारी मात्रा में सीमेंट हवा में घुलती है, जो हवा के जरिए लोगों के शरीर में जा रही है। रेक पॉइंट के आसपास रहवासी क्षेत्र के लोगों ने रेलवे और जनप्रतिनिधियों से बालाघाट से रेक पॉइंट विस्थापित करने की मांग की। क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ रहा है, बच्चों को आने जाने में भी स्कूल जाने से जाते हैं, साइकिल से पूरा डस्ट होता है, दुकानों में भी पूरी डस्ट आती है, घर में भी पूरी डस्ट होती है। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि यहाँ से रेक पॉइंट हटना चाहिए जी, और रेक पॉइंट जाए, गर्रा जाए, चाहे हट्टा जाए, चाहे समनापुर जाए, कहीं पे भी एक दुकान में उसको ऐसी जगह करे जहाँ पे इसका घर वर्ग का ना हुआ
वहाँ पे बढ़िया दिल्ली में जी, सेहत पे भी असर पड़ रहा है, सेहत पे भी असर पड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है और आए दिन रोज मालगाड़ी चलती है तो ये भी सब बंद रहते हैं, बच्चों को भी तकलीफ होती है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, पूरी सीमेंट की गाड़ी लाइन से लगी रहती है पॉइंट की वजह से आरोप पे बहुत बुरा असर पड़ता है जी। घर में पूरे धूल घर पर आती है, पूरे घर भर धूल हो जाती है, बच्चों पे छोटे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। तो क्या क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि यहाँ से रेड पॉइंट हटना चाहिए। अच्छा, जल्दी से जल्दी हटना चाहिए यहाँ से जी। तो ये सीमेंट की बोरियां भी आती है यहाँ पे? सीमेंट की बोरियां बहुत ज्यादा आती है, बाकी फर्टिलाइजर तो कम आता है, चावल भी कम आता है, पर सीमेंट की बोरियां बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा नुकसान है जी। और सीमेंट की बोरियों की अनलोडिंग के लिए जो ट्रकें आते हैं, ट्रकों से पूरा जाम हो जाता है रोड, बाईपास रोड पूरा जाम हो जाता है, घर पे यहाँ धूल पूरी दुकान में आती है, रोड के कारण रोड भी नहीं बन रहा है, इसके कारण रोड की धूल पूरी दुकान में आती है, उससे भी स्वास्थ्य पे पूरा असर पड़ता है, व्यापार पे भी असर पड़ता होगा। इस संबंध में बिलासपुर झोन के रेलवे सलाहकार समिति सदस्य मोनिल जैन ने दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान बताया कि बालाघाट सांसद और समिति के द्वारा रेलवे बोर्ड को पत्र के माध्यम से बालाघाट से रेक पॉइंट हटाने की मांग की गई। पूर्व में रेलवे बोर्ड के द्वारा हट्टा रोड स्टेशन को विकल्प के रूप में रेक पॉइंट बनाया गया था, लेकिन यहां अप्रोच रोड सेड और अतिरिक्त प्लेटफार्म के अभाव में आगे प्रयास नहीं हुए। हट्टा रोड स्टेशन में रेक पॉइंट के लिए जरूरी सुविधाएं न होने के कारण वेंडर भी माल मंगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जल्द ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड से रेक पॉइंट विस्थापित करने की मांग की जाएगी। किसानों की फसल का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए शासन के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धान खरीदी का कार्य सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। जहां पहले किसानों के स्लॉट बुक किए जा रहे हैं, तो उसी बुकिंग के आधार पर किसानों के धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, लेकिन इन दिनों किसानों को स्लॉट बुकिंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे। वहीं अब स्लॉट बुक करने के लिए किसानों के पास महज एक दिन का समय बचा हुआ है, जहां 5 जनवरी स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख रखी गई है, जिसे बढ़ाए जाने की मांग किसानों के द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न केंद्रों में 80% धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है, वहीं 20% किसान अब भी समर्थन मूल्य पर अपना उपार्जन नहीं बेच पाए, जिसकी असली वजह स्लॉट बुकिंग न होना बताया जा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान है। तो वहीं किसानों को सोसाइटियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्लॉट बुकिंग का इस बार जो नया नियम आया था कि पहले SMS आता था, इस बार जो स्लॉट बुकिंग का आया है, तो जो शासन की तरफ से स्लॉट बुकिंग की जो तारीख है वो 5 जनवरी तक की स्लॉट बुकिंग की तारीख दिया है, जबकि खरीदी 16 जनवरी तक होना है। 6 तारीख से स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। जिन किसानों का 5 तारीख तक स्लॉट बुक हो गया है, उन्हीं की खरीदी 16 जनवरी तक की जाना है, क्योंकि 5 तारीख के बाद स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। तो अभी भी किसान ऐसे किसान बचे हुए हैं जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पाया है, वो घूम रहे हैं कि हमारा स्लॉट कब बुक होगा। तो इसलिए शासन ने जो स्लॉट बुकिंग की तारीख है उसमें वृद्धि करना चाहिए, या फिर उसकी जो दैनिक क्षमता की लिमिट है, एक दिन की लिमिट, जैसे 2200 क्विंटल की लिमिट थी, उस लिमिट को अगर बढ़ा दे तो और जो छोटे किसान है उनका भी स्लॉट बुक हो पाएगा और वो अपना धान उपार्जन केंद्र में बेच पाएंगे। पहाड़ी राज्यों के क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने जिले में ठंड बढ़ा दी है। मौसम साफ होते ही अचानक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे जिले में ठिठुरन बढ़ गई। इसी बीच बुधवार को जिले भर में दिन और रात 24 घंटे तक शीतलहर चलती रही, जो अब भी जारी है। इसी बीच बुधवार को जिले भर में दिन और रात 24 घंटे तक शीतलहर चलती रही, जो अब भी जारी है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बीच मौसम विभाग ने बुधवार को नगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, तो वहीं नगर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा। आपको बता दें कि वर्ष 2022 से लेकर 2023 तक जनवरी माह के 4 जनवरी को बुधवार के दिन सबसे ठंडा दिन रहा। आपको बताएं कि वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2023 तक जनवरी माह के 4 जनवरी बुधवार का दिन सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं पहली बार न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहा।
उधर मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मौसम की कुछ इसी तरह बने रहने और जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। तो गाड़ी चलाने में तकलीफ जा रही थी क्या? गाड़ी चलाने में तकलीफ बोल रहे थे ऐसा था, छूटो छाटो पहन के निकल। नहीं, कोहरा कोहरा घना था क्या? ऐसी था कोहरा, थोड़ा सा घना था हल्का। अच्छा, लाइट जला करके आप मतलब चल रहे थे। अच्छा, अगर नगर पालिका प्रशासन की अगर बात करें तो नगर पालिका प्रशासन ने कहीं यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करी कि जैसे चौक चौराहों में? चौक चौराहों पर तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आता, अगर रहता तो थोड़ा सा राहत मतलब थोड़ा सा राहत जैसी हो जाती। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है, जिससे पिछले दो दिनों से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। जबकि 10 दिन पहले बदली और बारिश के आसार के कारण मौसम ढका होने के चलते जिले भर से ठंड गायब थी, लेकिन अब ठंड अचानक बढ़ गई है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में चल रही शीत हवाएँ सितम ढा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर वनांचल क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के बैहर, उकवा, मलाजखंड, बिरसा क्षेत्र में शुक्रवार से अचानक ठंड ने जोर पकड़ लिया है और इसके अलावा वारासिवनी, खैरलांजी, लामता, परसवाड़ा क्षेत्रों में भी मंगलवार से कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। वहीं बुधवार को पूरे जिले में ठिठुरन बनी रही। जैसे सुबह से लेके शाम तक शीतलहर चल रही है, किस तरीके की नगर पालिका प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी? नगर पालिका प्रशासन को व्यवस्था क्या है, जगह जगह पे अलाव जलावाना चाहिए लकड़ियों के चौक चौराहे पर, इससे कुछ राहगीर आने जाने वालों थोड़ा सा सही सिकाई कर ले तो उनसे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो शहर में ऐसा दिख रहा है क्या ऐसी कुछ जगह में? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही ठंड अपना असर दिखा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही सर्द हवाएं चलने से शाम 6 बजे के बाद लोग ठिठुरने लगे हैं, लेकिन नगर पालिका ने अब तक अलाव जलाने का इंतजाम नहीं किया है। शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों पर पूरी रात गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों, बस स्टैंड में पहुँचने वाले यात्रियों के साथ आम लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है और वे रात में कड़कती ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर के सार्वजनिक चौकों पर अलाव की व्यवस्था के लिए बस स्टैंड, शासकीय चिकित्सालय, महावीर चौक, सुभाष चौक, हनुमान चौक, दुर्गा मंदिर, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर लकड़ी का वितरण कर जगह जगह अलाव जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध कराई जाती थी, जिस पर शहर के करीब दर्जन भर स्थानों पर रात के वक्त अलाव जलता था। लेकिन इस बार जनवरी के माह की 4 दिन बीत जाने के बाद भी नगर पालिका ने नगर में अलाव जलाने शुरू नहीं किए हैं। नगर पालिका ने अभी तक अलाव जलाना तो दूर, लकड़ियों का तक इंतजाम करके नहीं रखा है, जिस पर लोगों ने नगर पालिका से अलाव जलाने के इंतजाम किए जाने की मांग कर रहे हैं। सर, आज जैसे आप यहाँ पर आए, मुख्यालय है, तो कामकाज हो रही कि नहीं हो रहा है? कामकाज सब ठप पड़े हैं इस मौसम के अंदर में, पब्लिक भी नहीं आ रही है काम कराने वाली और परिस्थिति आप देख ही रहे हैं कि मौसम कैसा है। ऐसे मौसम में काम करें या घर से बाहर निकलें तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और गर्म कपड़े, टोपी, मफलर, स्वेटर, साल ये उड़ के ही बाहर निकलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखें। बुज़ुर्ग को तो करीब करीब ऐसे मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है। अच्छा, कितने दिनों के लिए ऐसा ही मौसम रहेगा? ये मौसम अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन विगत आने वाले 3 दिन तक के तो ऐसा लगता है कि ये मौसम बदलाव नहीं होगा। और हकीकत में आज ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की वादियों में आदमी घूम रहा है। मौसम में आए अचानक बदलाव और जिले भर में चल रही शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। सबसे ज़्यादा परेशानी शहर में नाइट गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को होती है, जो कड़ाके की ठंड में शहर में गश्त करते हैं। इस दौरान उन्हें आग की जरूरत पड़ती है, लेकिन लकड़ियां नहीं होने के कारण पुलिसकर्मी अपने हाथ भी नहीं सेक पा रहे हैं। वहीं देर रात दूर दराज से बस स्टैंड आने वाले यात्री व बस चालक परिचालकों को भी इस ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। आज किस तरह की ठंड लग रही है? आज काफी ठंड है और ठंड की वजह से लोग भी क्या बोलते हैं घर से नहीं निकल पाए और काम धंधे भी जो है सुस्त है और ये कब तक ठंड चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, किस तरह से बचाव करना चाहिए ठंड में? ठंड में अब देखो तो हमने तो गर्म कपड़े पहने और अंगार के सामने है तो इसी हिसाब से क्या बोलते थोड़े गर्म कपड़े पहने और
स्वस्थ रहें। अचानक ही ठंड के बढ़ने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। अस्पताल में सर्दी जुखाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। वर्तमान में ओपीडी में ज़्यादातर बुखार, सर्दी और गले में खराश की शिकायत वाले मरीज पहुंच रहे हैं। अभी रोजाना जिला अस्पताल और निजी क्लिनिकों में मरीजों में सर्दी जुखाम, बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याएं आ रही हैं।